कैसे शुरू करें फ्रूट बार बिजनेस। इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर हर जगह लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, हालांकि वक्त के साथ और आज की परिस्थिति को देखते हुए लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना जरूरी भी है। स्वास्थ्य तभी बेहतर रहता है जब हम एनर्जी देने वाली चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि फलों का जूस। मौसम के मुताबिक अलग अलग तरह के फल आते हैं और लोग उसी के मुताबिक जूस पीते हैं। अगर आप ऐसे में कोई छोटा बिजनेस शुरू करने की तलाश में हैं, तो जूस बार यानी कि जूस शॉप खोल सकते हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दो तरह से किया जा सकता है ये बिजनेस। जूस का बिजनेस दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि एक अच्छी लोकेशन पर दुकान खोलें और उसमें जूसर लगाकर फलों का जूस निकालकर बेचें। इसमें आपको कुछ पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। इसके अलावा मोबाइल शॉप यानी कि ट्रक, वैन आदि वाहन में जूस तैयार करके जगह जगह बेचा जा सकता है। जूस बार के लिए जगह का चुनाव। जूस की दुकान खोलने के लिए आपको एक ऐसी जगह का चयन करना होगा जो कि बाजार, अस्पताल, जिम, स्कूल या फिर कॉलेज के बाहर या आसपास में ही हो, क्योंकि वहां आपको ज्यादा ग्राहक मिल जाएंगे। जूस बार के लिए जरूरी रॉ मटेरियल, फल एवं सब्जी, आइस, ड्राई फ्रूट, खाने वाला कलर, चीनी, आइसक्रीम, दूध। जूस बार के लिए जरूरी मशीनरी और इक्विपमेंट्स। आपने ये तो देख लिया कि आपको जूस की दुकान खोलने में किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। अब आपको ये बताते हैं कि आपको इसके अलावा और क्या चाहिए होगा। तो आपको बता दें कि आपको कुछ जरूरी मशीनरी और बर्तनों की जरूरत होगी। इसमें कुल तीन तरह की जूसर मशीन आती है, आपको वो तीनों चाहिए होंगे। आपको एक फ्रिज भी रखना होगा क्योंकि आपको अपने फलों और सब्जियों को स्टॉक भी करना है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ टूल्स जैसे चाकू, चॉपिंग बोर्ड, फल काटने वाले कटर, बड़ी और छोटी साइज की ग्लासेस, कटोरा, चम्मच आदि की भी आपको जरूरत पड़ेगी। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने में कुछ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, जो कि इस प्रकार है। FSSAI। चूंकि ये बिजनेस खाद्य सामग्री से संबंधित बिजनेस है, इसलिए आपको अपनी गुणवत्ता को जांच कराकर FSSAI रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। टैक्स पंजीकरण। आपको अपने बिजनेस के लिए टैक्स पंजीकरण यानी कि GST रजिस्ट्रेशन कराना भी आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस। अपने बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होता है, इसलिए आपको ये भी लेना होगा। जूस बार का काम खाने पीने से जुड़ा होता है, इसलिए सबसे पहले आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा। साथ ही लोकल अथॉरिटी नगर पालिका और नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। जब आपका बिजनेस अधिक बढ़ जाए तब GST नंबर लेना होगा। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दुकान का किराया, रॉ मटेरियल, मशीनरी, सब कुछ मिलाकर आपको कम से कम 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल शॉप खोलते हैं तो एक गाड़ी की जरूरत होगी जिसे बार का लुक देना होगा। इसमें आपकी कुल इन्वेस्टमेंट लगभग 30,000 तक की होगी। अगर आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? जूस की दुकान में जब आप एक ग्लास जूस बेचते हैं तो इसमें आपको 15 से 20 रुपए मिलते हैं और आप हर ग्लास पर कम से कम 5 से 10 रुपए तक कमा लेते हैं। यानी महीने की आपकी इस बिजनेस से होने वाली आमदनी की बात करें तो आपको इससे लगभग 30 से 40 हजार रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।